हेलो एवरीवन, आज हम पाटी बना रहे हैं जो कि बहुत ही इजी, टेस्टी और खस्ता बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मोटा आटा लिया है, आप कोई भी नापने का बर्तन लीजिए। मैंने ये दो कटोरी लिए हैं। एक चम्मच नमक डाला है और एक चम्मच अजवाइन को पीस के इसमें डाला है हाथ में मसल कर, और आधी चम्मच हल्दी डाली है। अब इसमें आधी कटोरी मैंने घी डाला है, या आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, या आप एक कटोरी मलाई भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर गर्म पानी से आटे को गूंद लीजिए। देखिए करीब हमारा दो कटोरी पानी लगा है, और अच्छे से मसल कर इसको एक सार कर लीजिए। ये मोटा आटा है इसलिए इसको अच्छे से मसलना जरूरी है, और ये इस वजह से काफी खिली खिली बनती है। और ये ड्राई आटा हमने थोड़ा सा और ले लिया है, और इसको और अच्छे से मसल लेते हैं। बहुत नरम नहीं होना चाहिए आटा, और बहुत सख्त होगा तो वो टूट जाएगी बाटी, तो इसलिए एक सार हाथ में हम आराम से मसल सके ऐसा हो। ये देखिए ऐसा, इसको हमने 10 मिनट छोड़ सकते हैं, और जल्दी हो तो आप उसी समय थोड़ी देर और मसल कर बना सकते हैं। अब इसकी लोई बनाएंगे, हाथ में ऐसे दबाकर उसको अच्छे से गोल करते हुए बना लेंगे। और बीच में से थंब से प्रेस कर देंगे, उतने से मेरी 10 बनी है। अब मैंने ये बाटी का ओवन लिया है, इसको मैंने 10 मिनट गर्म कर लिया है, और इसको बाटी को रख दिया। अब हर 2 से 3 मिनट में आप इसको पलट पलट कर सेक लीजिए। करीब 25 मिनट में ये सिक जाती है। देखिए कितनी अच्छी खिली खिली बाटी बनी है। अब इसको अच्छे से घी लगाइए, और आप डब्बे में भी रख सकते हैं, और इसको गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं। तो है ना बहुत सी इजी सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।